हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कनिका की रसोई। तो आज हम आपको कनिका की रसोई में सिखाएंगे आटे के लड्डू बनाना, जो कि सर्दियों में सभी अपने घर में बनाते हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं सभी को। तो आप एक बार इस तरीके से आटे के लड्डू ज़रूर बनाकर देखना, ये बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी बनते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़ दोस्तों। और चलिए हम आपको आटे के लड्डू बनाना सिखाते हैं। और अगर आपको बेसन के लड्डू सीखने हैं बनाने तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आटे के लड्डू, जो कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनेंगे, जिसके लिए हमने ये एक भर के बड़ा चम्मच घी का कढ़ाई में डाल लिया है। और हमने इसमें ये दो कटोरी आटा लिया है। अगर ये हम वैसे तौल से करते हैं तो 250 ग्राम के करीब होगा आटा। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अभी हमने एक चम्मच ही आटा घी डाला है इसमें। अगर आपको और ज़रूरत हो तो आप इसमें और डाल सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं। इन सर्दियों में आप ये लड्डू एक बार ज़रूर बनाकर देखना। ये आटे को हमें मीडियम आंच पर ही सेकना है, हमें इसे तेज आंच पर नहीं सेकना है। और ये हमने आधी कटोरी बादाम और आधी कटोरी काजू लिए हैं, जिन्हें हमने दूसरी कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा भून लिया था। इससे इसका टेस्ट और भी करारे हो जाते हैं और टेस्टी लगते हैं। और ये एक भर के कटोरी मखाने के लिए, इससे लड्डू करारे और खाने में बहुत स्वाद लगते हैं। ये हमने दो कटोरी आटा लेकर ही बनाया है। अगर आप इन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप इसमें घी की मात्रा और आटे की मात्रा अपने आप अंदाजे से बढ़ा लें। और अगर आप इन्हें काटना चाहते हैं तो इन्हें छोटा छोटा काट लें, और नहीं तो इन्हें मिक्सी में पीस लें। लेकिन मैं इन्हें मिक्सी में ही पीस रही हूँ। और मिक्सी में पीसें तो इसका बिल्कुल पाउडर ना बनाएं, इसे थोड़ा मोटा मोटा ही रखें। तो ये देखिए, ये हमने मिक्सी में पीस लिए हैं। इसे हमने दरदराई पीसा है। ये थोड़े जो मोटे मोटे रह गए हैं इसे छोटा छोटा चक्कू से कर लेना। और अब हम इन मखानों को भी मिक्सी में पीस लेंगे। इसमें हमें घी कुछ कम लग रहा है तो अब हम इसमें ये एक चम्मच घी और डाल लेंगे। और ये मखाने भी हमने पीस लिए हैं। मखाने को बिल्कुल बारीक कर लेना और इन्हें काजू बादाम और मखानों को थोड़ा थोड़ा घी में सेक कर ही डालें। इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है और ये ज़्यादा दिन तक चलते हैं। तो ये आटा हमारा भून चुका है। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। और ये भी हम जो हमने काजू और मखाने का पेस्ट तैयार किया है उसमें हम मिला देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जितने ये ठंडा होगा इतने हम गैस पर घी गरम करेंगे। और ये हमने गूंद ली है। गूंद को हमने थोड़ा धूप में रख दिया था और अब हम इसे घी में सेक लेंगे। ये घी में डलने के बाद थोड़ी फूल जाती है और फिर हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए, घी गर्म हो चुका है। अब हमें ये सारी गूंद नहीं डालनी है, हमें इसमें थोड़ी सी ही गूंद डालनी है। हमने ये एक चौथाई कटोरी गूंद ली है, इसको हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर भून लेंगे। तो ये देखिए, ये फूल कर कैसे हो जाती है। ये देखिए, ये फूल जाती है घी में डल के और ये हाथों से ही ऐसे हो जाती है। लेकिन हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे अच्छे से।
ये गोंद अब ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। ये गोंद को हमने पीस लिया है, अब हम इसे ये गोंद को हमने मिश्रण में डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसमें करारा मिलाएंगे। गरम में हमें इसमें करारा नहीं मिलाना है, अगर हम गरम में करारा मिलाएंगे तो ये चिपचिपे हो जाएंगे और लड्डू हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो जब तक ये अच्छे से ठंडा ना हो जाए जब तक हम इसमें मीठा नहीं मिलाएंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, हम इसमें ये एक कटोरी करारा मिला देंगे। आपको जैसा मीठा पसंद हो आप वैसा मीठा रखें, कम या ज़्यादा। और अब हम इसे अच्छे से हाथ से मिला देंगे। और इसमें अगर आपको घी कम लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा घी पिघला कर और डाल सकते हैं। अगर आप इसमें घी डालें तो गरम घी को ज़्यादा ना डालें, थोड़ा सा बस घी पिघला लें और घी को ठंडा करके ही डालें। अब हम इनके लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, अब हम इनके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें दखनी मिर्च भी डाल सकते हैं। दखनी मिर्च आंखों की रोशनी तेज करती है और बच्चों के लिए फायदा भी करेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे आटे के लड्डू बनकर तैयार हैं। आप भी अपने घर पर ऐसे आटे के लड्डू जरूर बनाकर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।